हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन, जिसे आप डेरिवेटिव भी कहते हो। आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूले और कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, ये सब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहला हम ये समझते कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते। देखिए, आपको पता है ईंट या ब्रिक। अब ये जो ईंट को बनाने के लिए क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसको बनाने का प्रोसेस एक मैन्युफैक्चर कंपनी में मशीन के मदद से चिकनी मिट्टी को एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप दिया जाता है। उसके बाद उसे हीट किया जाता है और उससे बनता है ईंट यानी कि ब्रिक। अगर इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो कैसे कर सकता हूं, देखिए मैं बोल रहा हूं यहां पर डेरिवेटिव ऑफ क्ले सॉइल विथ रेस्पेक्ट टू हीट, इट गिव्स ब्रिक। क्लियर है? अगर हम हिंदी में समझाए तो डेरिवेटिव ऑफ चिकनी मिट्टी विथ रेस्पेक्ट टू ताप, इट गिव्स क्या दे रहा था हमें, ईंट दे रहा था। समझ में आ गया? अभी समझाते, देखिए ये जो ईंट बन रहा है वो चिकनी मिट्टी से बन रहा है। सो ये जो चिकनी मिट्टी है ये प्रोड्यूस कर रहा है ईंट को। सो ईंट चिकनी मिट्टी का डेरिवेटिव है, या फिर अलग तरीके से कहा जाए, चिकनी मिट्टी को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू ताप तो वो देता है ईंट। अभी देखिए यहां पर क्ले सॉइल है, मतलब यही चिकनी मिट्टी को क्ले सॉइल कहते हैं इंग्लिश में। सो क्ले सॉइल को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू हीट तो इट गिव्स ब्रिक। बराबर? सो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्ले सॉइल को मैंने डिफरेंशिएट किससे कर रहा हूं, हीट से, तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ब्रिक। और यही होता है डिफरेंशिएशन। इसी तरह जिस तरह क्ले सॉइल को हम हीट से डिफरेंशिएट करके ईंट बनाते हैं, उसी तरह मैथ्स में बहुत सारे फंक्शन हैं, तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और वहां से कुछ नया आउटकम निकालेंगे, और वही होता है डिफरेंशिएशन। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमारे मैथ्स में वो फंक्शन के नाम क्या है, जरा उसको देख लेते। सो देखिए, वो फंक्शन को समझने के लिए एक वर्ड याद रख लेना कि लिएट करके, लिएट, ये वर्ड को जरा याद रख लेना। ये जो L रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट ये जो I रिप्रेजेंट करता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। नेक्स्ट A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। T फॉर ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ गए? अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। लॉगरिथमिक में आप बोल सकते हो कि log x या log 2x, log x टू द पावर 5, ये सब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन का एग्जाम्पल देखिए, साइन इनवर्स 5x, या साइन, या एग्जाम्पल दूसरा कॉस में ले लो, कॉस इनवर्स 2x, ये एग्जाम्पल है इनवर्स फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन का देखिए, अलजेब्रिक में आप बोलोगे x टू द पावर 5, 2x, 4x टू द पावर 5, ये एग्जाम्पल है अलजेब्रिक फंक्शन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है यहाँ पर साइन एक्स या कॉस 5x, ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर 2x, ई टू द पावर x, ये एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शन है वो मैंने आपको यहाँ बताया, और उसे याद रखने के लिए लिएट करके आप याद रख लेना, ये वर्ड आपके, आपको आगे जाके इंटीग्रेशन में भी काम आने वाला है। सो आप समझ गए कि मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शंस है। अब इन्हीं फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इन फंक्शन के अंदर हमको एक्स नजर आ रहे हैं, तो हम एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे और कुछ आउटकम निकालेंगे,
और वही होता है डिफरेंशिएशन जो हम करने जा रहे हैं। लेकिन देखो डिफरेंशिएशन करने का पहला एक तरीका था, वो था फर्स्ट प्रिंसिपल के बेस पे किया जाता था, लिमिट यूज करके, वो बहुत लंबा चौड़ा होता था। और दूसरा तरीका है फॉर्मूले बेस पे। तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे 12th स्टैंडर्ड में, आपको सिर्फ पूछा जाएगा फॉर्मूले बेस के ऊपर डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाता है। तो अभी वो फॉर्मूले बेस पे कैसे करेंगे, तो पहले फॉर्मूले को डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आगे आने वाले सारे कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका आपको समझ में आ जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले लिखना। देखिए सबसे पहला देखिएगा, पहला वाला फॉर्मूला लिख लेते, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। याद रखना, आपको याद होगा जब मैं ऐसा लिख रहा था कि यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ क्ले सॉइल विथ रेस्पेक्ट टू हीट इट गिव्स ब्रिक, ऐसे मैंने आपको बताया था। तो डेरिवेटिव ऑफ क्ले सॉइल तो लिख दिया, विथ रेस्पेक्ट टू हीट लिख रहा हूँ तो बाजू में d तो रहेगा, मतलब ये d कॉमन है क्योंकि आप डेरिवेटिव कर रहे हो, आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो d रहेगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू बोलते वक्त d वैसे ही रहेगा, आप विथ रेस्पेक्ट टू किससे बोल रहे हो वो यहाँ लिखोगे, विथ रेस्पेक्ट टू हीट बोल रहा था इसलिए हीट लिख रहा था। तो मैं क्ले सॉइल को डिफरेंशिएट कर रहा था विथ रेस्पेक्ट टू हीट, तो उससे बना रहा था ब्रिक यानी कि ईंट। उसी तरह मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x टू द पावर n को विथ रेस्पेक्ट टू x से, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो n x टू द पावर n माइनस वन आएगा। समझ में आ गया? अब जो यहाँ पर ये n रिप्रेजेंट कर रहा है वो n क्या है, एनी नंबर, कोई भी नंबर होगा या फिर एनी मतलब ऑल अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट यहाँ हो सकता है, मतलब जैसे ए बी सी डी होता है या 1 2 3 4 कोई भी रहेगा। तो n के बदले में कोई नंबर आएगा या तो कोई अल्फाबेट आएगा। अब इस फॉर्मूले पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम में जब सवाल आएगा तो डायरेक्टली आपको ऐसा नहीं आएगा, वो क्या कहते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि डिफरेंशिएट, बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा वो बोला जाता है। और नीचे सवाल आएगा कि कुछ वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव आ गया। क्वेश्चन कैसा आता है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और नीचे बोलते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव, और आपको कहेंगे इसको डिफरेंशिएट करो। तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करते वक्त लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो आपको पूरा लिखना रहता है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्या, लेकिन लास्ट वाला जो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है उसको पूरा नहीं लिखना है, ऐसा ही लिखना है। सो आप यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करोगे वाई का डिफरेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू, देखो डी तो कॉमन है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोला है तो एक्स ले लीजिए, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स को मैं वैसा लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स लिख दिया मैंने। ये जो वाई दिख रहा है ना, वाई क्या है यहाँ पर, एक्स टू द पावर फाइव है, वाई इज इक्वल टू, तो एक्स टू द पावर फाइव लिख दिया। इसको डिफरेंशिएट करके देखो, अब आपका फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो यहाँ पर एक्स टू द पावर कितना एन है, डिफरेंशिएटिंग एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो आंसर क्या है, ये वाला पावर यहाँ रहेगा, फिर ये x जैसे के वैसे ही रहेगा, और जो भी पावर है उसमें माइनस वन करने का। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर पावर कितना है, फाइव है, फिर x के बदले में x वैसे ही लिखने का, जो ये है वो वैसे ही लिखने का, ऊपर फाइव माइनस वन, एन माइनस वन है ना, तो फाइव माइनस वन करोगे तो क्या मिलेगा, फाइव इंटू एक्स द पावर फोर। तो इसका आंसर कितना मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये मिल रहा है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में कभी कभार वो जब देंगे तो इस तरह देंगे, और कभी थोड़ा अलग देते, वो बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फाइव, ऐसा बोलेंगे, जहां वाई है वाई के बदले में एफ ऑफ एक्स दिया है, ये बताने के लिए कि ये फंक्शन है, फंक्शन इन एक्स, ये जो फंक्शन ए दिख रहा है ये एक्स में है ना,
तो फंक्शन इन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5। अब इसका डिफरेंशिएट करने बोलेंगे तो याद रखना, जिस तरह वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया, एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 आ गया, उसी तरह एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स लिख दोगे और कहानी सेम है, वैसे ही डिफरेंशिएट करोगे, फाइनली आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना। एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 मिल रहा है, तो इसका डेरिवेटिव वही मिलेगा। समझ में आ गए? सो वाई रिप्रेजेंट्स एफ ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट्स एफ डैश ऑफ एक्स। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, फॉर्मूला मैं लिख रहा था लेकिन बीच में मैं ये बताने लगा क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा बोलेंगे डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और दिया रहेगा ऐसा, तो डिफरेंशिएट करना है ऐसा। समझ में आ गया? चलो दूसरा वाला फॉर्मूला लिख लेते, डेरीवेटिव ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको मैं ऐसा थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, इसको ऐसा लिख दूंगा कि 1/x, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x, जब भी विथ रेस्पेक्ट टू बोलूंगा आप d के बारे में मत सोचो, डेरिवेटिव है तो d आएगा ही आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो x। अब इसका डिफरेंशिएट करो, सेम इसी फॉर्मूले पे कर सकते हो ना, मैं इसका आंसर डायरेक्टली बोल सकता हूं कि -1/x2, क्योंकि सिखाते सिखाते मुझे याद हो गया है, लेकिन आप भी याद कर लो। लेकिन ये कैसा आया है, अगर मान लो याद नहीं रहेगा तो कैसा है वो पता कर सकते हो, और करना आपके लिए आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे आते बताते, सबसे पहला क्या करोगे, इसको मान लोगे, ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर, इसको मान लोगे y इज इक्वल टू 1/x मान लोगे, फिर आप बोलोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे। अब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/x विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, यही करोगे और आगे आएगा। पर जरा सोचो, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, y इज इक्वल टू 1/x है, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा तो एक्स द पावर -1 आ जाएगा। आप इसको डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स द पावर -1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स द पावर -1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, एन के बदले में क्या है -1, फॉर्मूला क्या बोलता है एन इंटू एक्स रेस टू एन -1, तो एन कितना है -1 है, यहां पर एक्स एन -1 मतलब एन कितना -1 है, तो एन आ गया फिर -1, तो क्या मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स द पावर -2 बन गया। अब थोड़ा आगे देखिए dy by dx is equal to, देखिए यहां पर कितना -1 है, अगर x to the power -2 है नीचे आएगा तो क्या होगा 1/x2 हो जाएगा, x to the power +2, तो फाइनली आप क्या लिखोगे यहां पर dy by dx is equal to -1/x2 आ गया आंसर। सो dy देखो -1/x2 आपको याद होगा हमने इसी को सॉल्व करते गए थे, पर मैंने क्या किया इसको थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसा बना दिया, फिर सॉल्व करते करते गए आ गया आंसर, मतलब इसी का आंसर वो है डेरिवेटिव ऑफ द, इसका आंसर क्या आ रहा है -1/x2 दैट इज dy बाई dx, ये आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहां तक। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन, यहां पर देखो डेरिवेटिव ऑफ √x, अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 1/2√x, और ये मैं जानता हूं लेकिन आप नहीं जानते ना, तो आपको और बता देते, देखिए कैसा करोगे आप लिखिए यहां पर y इज इक्वल टू √x है ना, तो मैंने ये लिख दिया, इसको आप डिफरेंशिएट करने से पहले लिख दो y इज इक्वल टू √x है तो x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि जब भी रूट रहेगा रूट निकलेगा तो पावर 1/2 आता है,
इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर दो. सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, देखो डी बाई डी एक्स मैं वैसा ही लिखूंगा, लेकिन जो y है y का आंसर क्या है यहां पर x टू द पावर 1 बाई टू है. अब देखो डी वाई बाई डी एक्स के साथ तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको रहने देता हूं, कहानी आगे बढ़ा देते थोड़ा. देखिए x टू द पावर कितना है 1 बाई टू, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 1 बाई टू विथ रेस्पेक्ट टू x, n के बदले में कितना, n के बदले में कितना है 1 बाई टू आ रहा है, तो n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन कितना है 1 बाई टू एक्स, एन माइनस वन मतलब 1 बाई टू माइनस वन, जहां n दिख रहा है उधर 1 बाई टू लिखो फॉर्मूला से. देखिए क्या आएगा यहां पर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू को मैं वैसा ही रख देता हूं, यहां पर x वैसा ही रहेगा, ये 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस टू निकाल के दिखा देते हैं, 1 बाई टू माइनस वन तो कैसा रहेगा यहां पर देखिए, डिनोमेटर 2 इसको 1 माइनस टू माइनस 1 बाई टू आ गया, तो यहां पर लिख देंगे माइनस 1 बाई टू. अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू को रहने दीजिए. देखिए एक्स टू द पावर कितना है माइनस 1 बाई टू, नीचे आएगा तो क्या होगा 1 अपॉन x टू द पावर प्लस 1 बाई टू, एक्स के ऊपर पावर माइनस 1 बाई टू है, नीचे आएगा तो x के ऊपर पावर प्लस 1 बाई टू हो जाएगा. अब देखिए dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई टू 1 अपॉन x टू द पावर 1 अपॉन टू, x टू द पावर 1 अपॉन टू रूट एक्स होता है कि नहीं यहां पर, तो रूट एक्स लिख दीजिए. सो फाइनली क्या मिल रहा है, dy by dx is equal to 1 upon 2 root x, फॉर्मूला बन गया. तो देखो फॉर्मूला बना दिया, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 upon 2 root x. तो समझ लीजिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अब इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि डिफरेंशिएट कैसा किया जाता है, लेकिन आपको आगे और डिटेल में समझाएंगे हम, बट फिलहाल आप समझ गए होंगे. चलो अभी आगे हम डायरेक्ट फॉर्मूला एंट्री करेंगे, आप देखते जाना काम होता रहेगा. अब याद रखना कि जो नंबर हमने यहां पर दिखाया है, ये जो n है वो n या तो कोई नंबर रहेगा या तो कोई अल्फाबेट रहेगा, अल्फाबेट में कोई भी अल्फाबेट ए बी सी डी जेड तक कोई भी रहेगा, ठीक है, नंबर में कोई भी आएगा, तो ये एक नंबर है जस्ट याद रखना. इसको हम निकाल देते. चौथा वाला फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स. पांचवा वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो आंसर है ई टू द पावर एक्स. नेक्स्ट छठवा वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स ऐसा ही लिख दिया, बाजू में आएगा log a. ध्यान रखना ये जो यहां पर टर्म आ रहा है ये टर्म कुछ भी हो सकता है. अब कुछ भी का मतलब क्या, एनी नंबर हो सकता है या फिर ऑल अल्फाबेट एक्सेप्ट e. याद रखना e को छोड़ के कोई भी अल्फाबेट यहां पर हो सकता है. E क्यों नहीं, अगर E यहां पर आ गया तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, अल्फाबेट में ए बी सी डी में E भी तो आता है, अगर आप इधर E रख दोगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा. और इसका आंसर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ E रेस टू एक्स विल गिव यू E रेस टू एक्स. लेकिन E के बदले में कोई भी अल्फाबेट यहां रहेगा या कोई नंबर रहेगा तो ये फॉर्मूला आएगा. चलो एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको हम यहां पर. लेट सी वाई इज इक्वल टू, मैं बोल दिया कि यहां पर 5 टू द पावर x बोल दिया और मैं इधर डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x. सो बोल दूंगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x d by dx, यहां पर y है d by dx लिख दिया, ये जो y है y का आंसर क्या है 5 टू द पावर x. अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x,
फाइव टू द पावर एक्स मतलब ए टू द पावर एक्स, तो आंसर क्या होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। इधर ए के बदले में कौन है, फाइव है, और एक्स के बदले में एक्स है, तो यहां लिखोगे फाइव टू द पावर एक्स लॉग, यहां पर जो ए है वो ए यहां पर आया है तो यहां पर आएगा फाइव, बराबर। ऐसे फॉर्मूले बनते, तो ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने तो सिर्फ सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया, बाकी कुछ नया नहीं किया, क्लियर हो गया। चलो इसको निकाल देते, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे जाते एक और फॉर्मूला, इसको निकाल दे, कोई नंबर चल रहने दे, आगे जाते एक और फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसका आंसर है कॉस एक्स। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, इसका आंसर है माइनस साइन एक्स। देखो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, डेरिवेटिव ऑफ, अगर मैं लेता हूं टैन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू बहुत जरूरी है, यहां एक्स है तो इसमें एक्स दिख रहा है, आपको आगे और समझेगा, अभी तो सिंपल समझने की कोशिश करो। डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल गिव यू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विल गिव यू सेक एक्स इंटू टैन एक्स। नेक्स्ट बारहवा वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, ये देता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन यहां होगा माइनस। देखो जरा फॉर्मूले में देखो, यहां पर c वाला टर्म दिख रहा है उसकी में माइनस आ रहा है, यहां पर c दिख रहा है इसके फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, यहां पर c दिख रहा है इसके फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, समझ रहा है, ऑब्जर्व कीजिएगा। चलो तेरह वाला फॉर्मूला लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, सोचो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, याद रखना विथ रेस्पेक्ट टू बोल रहा हूं मतलब d पहले से ही फिक्स है, आप विथ रेस्पेक्ट टू किससे बोल रहे हो वो यहां लिखना है। सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, कॉमन सेंस की बात है, दोनों कट जाएगा तो वन आ जाएगा, है ना, बहुत ही कॉमन बात है। अब देखिए 14th वाला फॉर्म, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव यू जीरो। अब सवाल यह है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, समझना जरूरी है। सो देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्स्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, मैं आपको ये सिंपल सी बात बताता हूं, आप सभी में ऑब्जर्व कीजिए, ये वाले फॉर्मूले में देखो आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो 1 बाई एक्स को, तो जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें x है, जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वो भी x है, कुछ x x नजर आ रहा है तो आंसर कुछ आने वाला है और आ भी रहा है। देखिए यहां पर जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो कुछ भी रहने दो, log पॉग जो रहेगा रहने दो, x दिख रहा है ना, यहां x दिख रहा है, आप डिफरेंशिएट भी x से कर रहे हो, ये दिख रहा है तो आंसर कुछ तो आ रहा है, देखो आ रहा है। इसमें देखो ये वाले में x नजर आ रहा है, इधर e वो b वो c वो रहने दो, आपको x दिख रहा है, जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वो दिख रहा है, आंसर कुछ तो आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो और इसमें x ही नहीं है तो आंसर जीरो आ रहा है। सो अभी देखिए वेरिएबल और कॉन्स्टेंट किसको कहते हैं, आप जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वो अगर इसमें दिखता है तो वो हो गया वेरिएबल, log x वेरिएबल है, e टू द पावर x वेरिएबल है, रूट x वेरिएबल है, क्योंकि आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो और उस फंक्शन के अंदर भी वो टर्म है, जिस टर्म से डिफरेंशिएट कर रहे हो वो टर्म अगर आपके फंक्शन में रहता है तो वो फंक्शन वेरिएबल है। अब ये फंक्शन में ये वाला टर्म दिख रहा है तो ये फंक्शन वेरिएबल है, लेकिन ये फंक्शन वेरिएबल नहीं हो सकता क्योंकि मैं जिससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं वो x है और वो टर्म
वो टर्म इस फंक्शन में नहीं है तो फिर ये फंक्शन कांस्टेंट हो गया। तो जब भी जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वो अगर आपको फंक्शन में नहीं दिखता है तो समझ जाओ कि वो फंक्शन कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा जीरो आता है। समझ में आ गए? चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन करते और आपको थोड़ा बताते, एक और फॉर्मूला लेते। डेरिवेटिव ऑफ के एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी आप बोलोगे सर देखो यहां पर कांस्टेंट है, तो मैं बोलूंगा बाजू में x भी तो है ना। आप सोचिए इसमें कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ कांस्टेंट था, x था ही नहीं, तो हमने बोल दिया कांस्टेंट है जीरो कर दो। लेकिन इसमें कांस्टेंट जरूर है लेकिन बाजू में वेरिएबल है, ये मेरे जिससे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं वो वाला टर्म इसमें फंक्शन में दिख रहा है तो ये वेरिएबल है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते? जो कांस्टेंट टर्म है उसे तो हम डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो उसको साइड में हटा दो, के को साइड में हटा दो, के साइड में हो गया तो बचा कौन अभी dx, और बाजू में क्या नीचे क्या है dx। अब आप देखिए के रहेगा dx अपॉन dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आता है 1 आता है, तो dx dx कट गए तो क्या आ गया 1, आंसर क्या मिला k। समझ में आ गया? इसी तरह समझने की कोशिश करो। याद रखना कि जब आप डेरिवेटिव करते हो तो वो टर्म को ऑब्जर्व करो कि वो कौन सा फंक्शन वहां पर है और कौन सा टर्म से आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। जिस टर्म से डिफरेंशिएट कर रहे हो वो टर्म उस फंक्शन में रहा तो फंक्शन वेरिएबल कहलाएगा, अगर वो फंक्शन में वो टर्म ही नहीं है तो फिर वो फंक्शन कांस्टेंट कहलाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज जीरो। समझ में आ गया? चलो इतने फॉर्मूले हमारे पास, और कोई फॉर्मूले भूल गए क्या हमने? नहीं ना, जितना हो सके उतना दे ही चुके फॉर्मूले। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे। पहले एक आध दो क्वेश्चन इन पे सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम आपको बताएंगे कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है और कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक बार ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो क्योंकि मैं रफ कर दूंगा और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा और फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया? और कोई फॉर्मूला भूल चुके? कांस्टेंट का हो गया, के एक्स का हो गया, बस और कुछ नया नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे लेंगे। देखिए सबसे पहला बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स की बात कर रहे हैं, तो कितना आ रहा था 1/x आ रहा था। अब सारा फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ क्या, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ले रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखिए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल सिंपल सी, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है बता रहा हूँ। आप देखिए लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x आया, तो हुआ क्या था बताता हूँ। सबसे पहला जब इसका डेरिवेटिव होता है ना, तो log x का डेरिवेटिव 1/x है, इधर ये फंक्शन क्या, इधर क्या वेरिएबल क्या x है, तो log के बाजू में जो भी रहेगा ना वो 1/ इधर आ जाता है, फिर वापस इस x का डेरिवेटिव होता है। तो हुआ ये था कि डेरिवेटिव ऑफ log x, आपका रूल क्या बोलता है, log के बाजू में जो रहता है वो 1/ नीचे लिख देने का, 1 फिक्स है, बाई फिक्स है, इधर जो रहेगा वो नीचे लिख देने का और वापस इसका डेरिवेटिव करने का। सो डेरिवेटिव ऑफ x, इधर x ही है ना, और विथ रेस्पेक्ट टू किससे कर रहे हो, x से, तो विथ रेस्पेक्ट टू x यानी कि dx। आपको पता है कि 1/x तो वैसे रहेगा लेकिन dx by dx कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा, तो 1 आ गया, फाइनली क्या मिल रहा है 1/x। सो डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x। समझा? एक और देखो, हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू क्या बताया था, e टू द पावर x। देखिए यही वाला आंसर निकाला है मैंने, ये सब क्यों बता रहा हूं आपको अभी थोड़ी टाइम में समझेगा, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन समझने के लिए ये देखना जरूरी है। एग्जाम्पल e टू द पावर x है, इसका एक्चुअल में क्या हुआ था बताता हूं। e टू द पावर x है, रूल क्या बोलता है, e जैसा का वैसा ही रहेगा,
ई के ऊपर जो भी रहता है ना उसको लिख दो, तो हमने लिख दिया ई के ऊपर जो भी है उसे लिख दो। और अब इसका डेरिवेटिव करो, तो ये कौन है, एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू किससे कर रहे हो, एक्स से कर रहे हो, तो एक्स लिख दीजिए। अब ये कट जाएंगे तो क्या रहेगा, ई टू द पावर एक्स, सो ई टू द पावर एक्स, समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब सिंपल कहानी है। ये तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, और मैं कुछ नया कारनामा तो नहीं किया, जो आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया वही दिखा रहा हूँ, जो आपने फॉर्मूला पढ़े वही बता रहा हूँ, कुछ बड़ा काम तो मैंने अभी तक नहीं किया, अब मैं करता हूँ। देखिए अब हम आपको बताएंगे कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है, सो कॉम्पोजिट फंक्शन को समझते, कॉम्पोजिट फंक्शन को समझने के लिए आपको बोर्ड दिख रहा है क्लियर, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन समझेंगे। देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर टू एक्स लिया, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, ई टू द पावर क्या था, एक्स, तो ई टू द पावर एक्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आता है, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, ई के ऊपर जो रहता है उसको लिखने का, तो ई के ऊपर जो रहेगा वो मैं लिख दूंगा, आगे लिखूंगा ई के ऊपर टू एक्स है, तो ई के ऊपर टू एक्स को मैंने लिख दिया। लेकिन रूल क्या बोलता है, आपने ई के ऊपर एक्स था आपने लिख दिया, लेकिन फिर इस एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, यानी कि एक्स है ना, अब ई के ऊपर टू एक्स है, तो अभी टू एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसी को बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट मतलब सिंपल, आप जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वही यहां पर था, आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो इधर x है, आप x से डिफरेंशिएट कर रहे हो इधर x है, तो ये हो गए सिंपल फंक्शन, इसको कहते हैं सिंपल फंक्शन, इसमें कुछ नया नहीं है, कॉमन बात है यहां पर भाई, कॉम्प्लिकेटेड तो यहां है, e के ऊपर सिर्फ x नहीं है 2x है, तो कुछ कॉम्पोजिट हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। लेकिन हम रूल पढ़ चुके, e के ऊपर जो होता है उसको हम लिख देते, फिर हम जो ऊपर रहता है उसको दोबारा डेरिवेटिव करते, तो मैं वही कर रहा हूं, e के ऊपर जो था उसे मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया, अब जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव कर रहा हूं, तो कैसे करूंगा, e टू द पावर 2x, अभी जो ये 2 दिख रहा है साइड में हटा दो, 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, अभी कहा था मैंने एनी नंबर एनी अल्फाबेट ऑलवेज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट e, हम यहां बता रहे थे। देखिए अब जो ये 2 दिख रहा है ना आपको, वो 2 को साइड में हटा दो, 2 को साइड में हटा दिया, सो dx अपॉन dx रहेगा, कॉन्स्टेंट को साइड में हटाना है और वो लेना है, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट होता ही नहीं है, अब जिसका डिफरेंशिएट नहीं होता वो उसको साइड में हटा दो, और जिसके साथ चलता है उसको ले लो, वहां पर काम खत्म हो जाएगा। e टू द पावर 2x, 2 dx by dx कितना हो, कटेगा तो 1 रहेगा, एंड फाइनली यू गॉट 2 into e टू द पावर 2x, इट इज डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 2x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया फंक्शन, इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन, इट इज कॉल्ड जस्ट सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन समझोगे कैसे, जिसका डिफरेंशिएट आप करने जा रहे हो उसमें x है, और जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो वो भी x है, कॉमन बात है, जैसा का वैसा एक ही झटके में आंसर आ रहा है, लेकिन इसका ऐसा नहीं आ रहा है, इसका ये होने के बाद फिर ऊपर जो था उसका अलग से डेरिवेटिव कर रहे तब जाके ये मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझाए आपको, समझाते, देखो एग्जांपल लेते और समझाते। अभी हमने इससे पहले फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले हमने इन्हें पढ़ा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, हमको पता है कि भाई यहां पर एक्स है इधर एक्स है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, रूल क्या बोलता है, इधर जो है वही लिखो, लिख दिया, रूल क्या बोलता है, जो इधर है वही लिखो, लिख दिया, और यही हमने फॉर्मूला पढ़े थे है ना,
इसमें भी हुआ होगा ना कि ऐसे डेरिवेटिव ऑफ साइन फाई, साइन एक्स है, सॉरी फाई कहां से आ गया, साइन एक्स है तो ऐसा हुआ होगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, इधर जो है वही लिख देने का, फिर इसका डेरिवेटिव करने का, इधर क्या है एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स यानी कि एक्स कट गए तो क्या मिला होगा, यहां पर वन होगा, वन इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दिस, यही तो हुआ, समझा ना। इसका फॉर्मूले का मतलब क्या है, साइन के बाजू में जो है वही यहां लिखना है, साइन के बदले में कॉस आता है, रूल समझा। अब इसको मैं कॉम्पोजिट फंक्शन बनाता हूं, ये सिंपल फंक्शन है, इधर एक्स एक्स कुछ नया नहीं, इसको कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे बनाएंगे देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एग्जाम्पल लेते, चलो वाई इज इक्वल टू, ऐसा वाई से दिया, वाई से दिया जाता है तो y इज इक्वल टू लेके काम करते हैं। y इज इक्वल टू मान लीजिए साइन 20x ले लिया, क्या ले लिया 20x, अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अपना डायलॉग फिक्स है। अब आप बोलोगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, हमने लिखा देखो d बाई डी एक्स तो हम लिखते ही है, y के बदले में कौन है साइन 20x, तो साइन 20x, साइन 20x यही रहता है। कहानी को याद कीजिए, कहानी क्या बोल रही है आपकी, देखो यहां पर साइन है तो क्या लिखना है कॉस, तो साइन के बदले में क्या लिखोगे कॉस, यहां x था तो आप x लिखते हो, तो यहां पर 20x है तो 20x लिख दीजिए, फिर ये जो x है उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है, तो यहां पर कौन है 20x है उसका डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव ऑफ 20x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा, यहां पर cos 20x इज इक्वल टू 20 को साइड में हटा दी, ओहो सॉरी 20 को साइड में हटा दीजिए 20, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, देखो जिसका डिफरेंशिएट नहीं होता है जो कांस्टेंट है उसको हटा लो साइड में, तो 20 को साइड में हटा दिया, अब ये x बचा d बचा dx नीचे dx दोनों शहीद हो गए, तो बचा क्या अब यहां पर 20 इंटू कॉस 20x, सो 20 इंटू कॉस 20x ये बन गया dy by dx, बन गया फॉर्मूला, डिफरेंशिएट कर लिया आपने, डेरिवेटिव ऑफ साइन 20x क्या आ रहा है 20 कॉस 20x, समझ में आ गया, इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि साइन के बदले में सिर्फ एक्स नहीं है, जिस देखो आप एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हो और सिर्फ एक्स नहीं है वहां पर 20 आ गया बीच में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शन, क्लियर। चलो एक और समझा देते हैं हम आपको, एक लास्ट दो एग्जाम्पल लेते फिर हम यहां पर खत्म करते बेसिक कॉन्सेप्ट वन करके, फिर टू में आपको कुछ रूल बताएंगे, ठीक है। चलो एक सवाल ले लेते हैं यहां पर कोई तो एग्जांपल, लेट सी y इज इक्वल टू कौन सा ले ले, ले लो यहां पर sec, मान लो कि 6x ले लिया, अब आपने डेरिवेटिव ऑफ sec x का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, sec x इंटू tan x पढ़े थे, है ना। रूल क्या बोलता है कि भाई जो यहां पर sec है तो आप sec और tan लिख लीजिए, और जो x है वही x यहां पर, वही x यहां पर, रूल है। और फिर उन्होंने वापस क्या किया होगा, डेरिवेटिव ऑफ x, x का डिफरेंशिएट किया होगा तो dx by dx कट के 1 मिला होगा और यहां पर 1 आया होगा, तभी तो ऐसे ही फॉर्मूला बना है ना। पर वो दिखाते नहीं है ऐसा वो किया है करके, वो डायरेक्ट दिया जाता है। अब इसको देखो, आप इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब डी बाई डी एक्स आप लिख लीजिए, जो वाई है वाई इज इक्वल टू क्या है सेक सिक्स एक्स है, तो सेक सिक्स एक्स लिख लिया हमने, डिफरेंशिएट करेंगे, रूल्स क्या बोलता है, सेक है तो सेक लिखना है और टैन लिखना है, sec के बाजू में क्या है 6x है तो 6x 6x लिख देना है, और अब डिफरेंशिएट करना है 6x का, तो डेरिवेटिव ऑफ 6x विथ रेस्पेक्ट टू किससे कर रहे हो x से, तो dx से,
अब क्या आएगा ये sec 6x into tan 6x into, देखो ये 6 क्या है, नंबर है। मैंने कहा कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो अभी कांस्टेंट हुआ, साइड में हटा दो तो बचा क्या, dx by dx, भाई dx by dx कट जाएंगे, शहीद हो गए, तो क्या बचेगा, sec sec 6x tan 6x, बाजू में यहां पर क्या 6 है, 6 इसको उठा के यहां रख दो, मतलब इसका आंसर कितना 1 आएगा। फाइनली देखो dx कट गए तो 1 आ गया, फाइनली क्या मिलेगा 6 into sec 6x into tan 6x मिल गया आंसर, दैट इज dy by dx। अब आप समझ गए कॉम्पोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा करते हैं, ये आपका जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझाएंगे कुछ रूल है, डेरिवेटिव ऑफ सम, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड कोशेंट, उनके रूल्स को समझ लेते बेसिक कॉन्सेप्ट 2 के लेक्चर में, और उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज वाले टॉपिक को समझाएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाए।